very good afternoon to all my friends. फिर से हाजिर हो गए हैं एक तो नए वीडियो को लेकर, एक नए टॉपिक को लेकर. मैंने पिछली बार एक तो वीडियो दिया था जहाँ पे स्पेशली मेरी फीमेल दोस्तों को मैंने कुछ एडवाइसेस दिए थे कि किस तरह आप पकड़ेंगे कि आपके पति के किसी के साथ नाजायज संबंध है. तो अब मेरे कुछ मेल फ्रेंड्स ने बोला सिर्फ हम लोगों के नाजायज संबंध के बारे में बोलोगी तो बीवियाँ जो करती है उनके बारे में नहीं बोलोगी. हाँ मैं क्यों नहीं बोलेंगी, क्योंकि मेरे लिए फ्रेंड्स और फ्रेंड्स एवर दो योर. अब आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू फीमेल इल्यूसिव रिलेशन. मतलब किस तरह आप रंगे हाथों अपनी बीवी को पकड़ेंगे जिसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा है. तो उससे पहले एक बार फिर से बोल दूँ कि अगर आपको हमारा वीडियोस अच्छा लगता है, हमारे टॉपिक्स अच्छे लगते हैं, स्पेशली अगर मैं अच्छी लगती हूँ, तो नीचे में दिया गया सब्सक्राइब बटन ऑब्वियसली दबाइएगा और सब्सक्राइब करके पास में दिया गया बेल आइकन दबाना मत भूलना. अब हो सकता है लाइफ में इतने स्ट्रेस हैं आजकल के लाइफस्टाइल में, आपसे शायद कभी पॉसिबल नहीं हो कि आप अपनी बीवी को ज़्यादा वक्त दें. तो इससे क्या होता है कि सपोज वो शायद किसी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ सकती है एंड मे बी दैट वुड बी अ सेक्सुअल वन टू. सो किस तरह पकड़ोगे या अंदाज़ा लगाओगे कि आपकी बीवी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है. सबसे पहली बात, अगर आपकी बीवी आपके तरफ कुछ ज़्यादा ख्याल करने लगे, ऐसा होता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्स करें या उनको एक्स्ट्रा ख्याल रखें, खाना खाए हो या नहीं, ये किए हो नहीं. अब अगर अचानक से आप देखते हो कि आपकी बीवी बारी बारी से आपका ख्याल रख रही है, आपके बारे में पूछ रही है या आपको मैसेजेस कर रही है कि तुमने लंच किया कि नहीं, डिनर किया कि नहीं, ये किया कि नहीं, वो किया कि नहीं, तो मतलब मामला कुछ गड़बड़ है. जो बीवी मैंने दोपहर में सुबह उठ के मैंने पानी पिया कि नहीं वो नहीं पूछती, अचानक से इतना पूछने लगी भाई ज़रूर डाल में कुछ खा रहा है. सेकेंडली, अगर आप अपनी बीवी को जिस टाइम पे उसको सोशल मीडिया में नहीं होना चाहिए, बेसिकली सपोज योर चैटिंग जो साइट्स रहते हैं, इट मे बी व्हाट्सएप, इट मे बी फेसबुक मैसेंजर और एनीथिंग एल्स, अगर उनमें आप अपनी बीवी को मैक्सिमम टाइम अगर ऑनलाइन देखते हैं, सपोज आप देख रहे हैं कि वो किचन में है लेकिन उसका जो नंबर आपके फ़ोन में सेव है वहाँ पे वो आपको ऑनलाइन दिखती है, तो इसका मतलब ज़रूर ऐसा कोई स्पेशल फ्रेंड या कोई स्पेशल ऐसा इंसान है जिसको वो अपना ज़्यादा वक्त दे रही है, रह रही है आपके साथ लेकिन वक्त ज़्यादा उसी को दे रही है थ्रू इंटरनेट. तीसरी बात, हम औरतों में एक टेंडेंसी होती है टू एल्यूर मेन. मतलब हम लोगों में ऐसे कुछ प्री हॉर्मोन्स रहते हैं जिस वजह से हम लोग ईजिली ऑपोजिट जेंडर के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं. अब अगर आप देखते हो कि आपकी सिंपल या क्यूट सी बीबी वट एवर अगर आजकल कुछ ज़्यादा बंठन रही है या कुछ ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो उसमें मामला अंदर में कुछ और हो ही सकता है, बी केयरफुल अबाउट दैट. फोर्थली, अगर कुछ ज़्यादा घर के तरफ ख्याल देना शुरू कर दे, घर की तरफ इन द सेंस हम बोलना चाहेंगे कि सपोज घर के जो कुछ काम वो पहले करना नहीं चाहती थी या सपोज उन चीज़ों से थोड़ा दूर हटती थी, अवॉइड करती थी, आजकल कुछ ज़्यादा ही उन चीज़ों के तरफ नोटिस करने लगी है. तो अगर आपको खुली आँखों से तो ये अच्छा लगेगा, हाँ चलो मेरी वाइफ थोड़ी चेंज हो रही है, पर अंदरूनी मामला कुछ और भी हो सकता है. एक्चुअली वट एवर शी विल बी ट्राइंग टू शोकेस यू या हाईलाइट यू, दैट इज़ टू हाइड योर गिल्ट. क्योंकि जब कोई इंसान ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपकी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन कमिटमेंट देने के बावजूद अगर कोई किसी दूसरे के साथ स्पेशली अगर फिजिकल सेक्सुअल रिलेशनशिप में जुड़ते हैं, सो ऑब्वियसली दैट पर्टिकुलर लेडी इज टीचिंग यू, शी इज डबल क्रॉसिंग विद यू. इसके अलावा अगर आपको सपोज यू आर विलिंग टू बी क्लोज
tired हूँ ऐसा कुछ बोल के हट जाती है, तो इसका मतलब जरूर उसके जिंदगी में ऐसा कोई दूसरा इंसान आ गया है जिससे वो ज़्यादा सेक्सुअली सेटिस्फाइड है। इसी वजह से आपके साथ इंटरकोर्स करते वक्त उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा, सो शी इज कम्प्लीटली अवॉइड। आई होप आप लोगों को आज जो 5 टिप्स मैंने दिया वो टिप्स आप लोगों को अच्छा लगे, एंड प्लीज़ डू गिव मी योर फीडबैक्स एंड कमेंट्स, बिकॉज आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अलाउ करते हैं, एनकरेज करते हैं और न्यू टॉपिक्स को लेकर आपसे बात करने के लिए। आज के लिए इतना तक, जाते जाते फिर से बोल दूँगी प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना।